नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 500 वाट मशीन से कितने यूनिट, मतलब 500 वाट से कितने यूनिट चला सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि 500 वाट PVT 500 वाट स्ट्रेंजर मशीन है। तो दोस्तों इसमें आपको बताऊँगा आप कितने यूनिट चला सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 ओम 4 ओम और 8 ओम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक कॉमन होता है 2 ओम 4 ओम और 8 ओम, आप समझ रहे दोस्तों। तो आप यूनिट और इसमें साथ में यूनिट का अलग दिया रहता है, तो आप अक्सर अलग से चलाएंगे और यूनिट अलग से चलाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिट कनेक्शन कैसे करेंगे और कितने यूनिट आप चला सकते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं मशीन का मेरे वायरिंग, ये देख, ये दोस्तों PVT 501 मशीन है और ये इसका पीछे का भाग है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये यहाँ से आप स्पीकर का कनेक्शन करें और यहाँ से आप यूनिट का कनेक्शन करें। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो इसमें जो करंट आता है, इसमें जो करंट आता है इसमें, तो ये ट्रांसफार्मर से आता है और इसमें जो आता है तो बिना ट्रांसफार्मर के आता है। तो आप सबसे पहले ये समझिए, अगर आप सादे यूनिट चला रहे हैं तो आप इससे चलाइए, अगर लाइन मैचिंग के चला रहे हैं तो आप इससे चलाइए। तो दोस्तों आप 500 वाट से मिनिमम 20 या 22 यूनिट चला सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेंजर की मशीन आपकी एकदम ओके होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मशीन आपकी थोड़ा कम क्वालिटी में, जैसे मेधा है और ये सब, मैंने आप अवजा में 20 यूनिट चला सकते हैं और स्ट्रेंजर में 20 या 22 यूनिट चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आराम से आप इसमें 20-25 यूनिट चलाइए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ना ही आपके यूनिट उड़ेंगे और ना ही मशीन उड़ेंगी। यहाँ दोस्तों आप अवजा के 40 वाट के आप कम से कम 20 यूनिट चला सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।